हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। कोरोना वायरस, जो आप सबको पता है कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, ये हमारे पूरे देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचा चुका है। बहुत ज़्यादा इसने इतना ज़्यादा प्रकोप अपना फैला दिया है कि अब लोगों को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। तो ये कोरोना वायरस जो है वो आगे आने वाले एग्ज़ाम में हमारे पेपर के लिए एक बहुत बड़ा मटेरियल साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी भी कोने से कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं उसी सीरीज़ में टॉप 30 जीके क्वेश्चन अबाउट कोरोना वायरस उसका लेकर आई हूँ सीरीज़, विद एक्सप्लेनेशन और उसका आंसर भी। और हिंदी में ये सीरीज़ है, प्रॉपर आपको 30 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी कोरोना वायरस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, UPSC का हो, PCS लेवल का हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक आध ऑप्शन में ये क्वेश्चंस फंस सकते हैं और फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पे फैली है महामारी है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, कोरोना वायरस, कोरोना किस प्रकार से फैलने वाली बीमारी है? तो विषाणु से, जीवाणु से, दोनों से या फफूंद से? तो आप सबको पता है ये वायरस कहते हैं, इसलिए ये विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। कोरोना वायरस का पहला केस जो है वो 2019 में चीन के वुहान शहर के हुआनान में मिला था। कोरोना वायरस का पूरा नाम 2019 नोवेल कोरोना या 2019 nCoV है। WHO ने कोरोना वायरस को COVID-19 नाम दिया। तो बहुत माइनर छोटे छोटे क्वेश्चन है कि WHO ने क्या नाम दिया है, नॉर्मल नाम क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कौन से शहर में हुई थी, तो ये सारा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला केस किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था सन 2019 में, पहला केस मिला था 2019 में, दिसंबर महीने के 2019 में मिला था ये, दिसंबर में 2019 में चीन के वुहान शहर के हुआनान में मिला था। ये वायरस समुद्री जीव और चमगादड़ों और सांप की वजह से फैला था, क्योंकि चाइना में कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ते, हर चीज़ खाई जाती है, तो इस वजह से वहाँ ये वायरस फैला था। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो नाम लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है क्राउन, क्राउन माने मुकुट होता है। कोरोना वायरस की जो संरचना है वो मुकुट, क्राउन के समान होती है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला केस किस देश में मिला था? तो आप लोगों को अभी पता ही है, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, चीन में मिला था, चाइना में इसका पहला केस मिला था, वुहान के हुआनान में 2019 को मिला था, और समुद्री जीव चमगादड़ों और सांपों की वजह से वायरस फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमने। तो आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है? 2019 नोवेल कोरोना, 2019 nCoV, दोनों या क्राउन? तो यहाँ पर दोनों इसका ऑप्शन होगा, जो अभी हमने डिस्क्रिप्शन किया था उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन दोनों आंसर होगा। तो इसका जो पूरा नाम है 2019 नोवेल कोरोना और 2019 nCoV, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं nCoV, यह एक नए प्रकार का वायरस है। इससे पहले इस वायरस की पहचान की पुष्टि कभी नहीं की गई है, इसलिए इसे नोवेल नाम दिया है, क्योंकि कभी नहीं, पहले ही नया नाम है, और लैटिन भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का सिक्स क्वेश्चन है इसका, WHO के द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? तो WHO ने COVID-19 इसका नाम दिया है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके दो नाम है, 2019 नोवेल कोरोना और 2019 nCoV। कोरोना वायरस मनुष्य के श्वसन तंत्र पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं? निमोनिया होती है, खांसी होती है, जुकाम बुखार होता है, या सभी? तो आप लोगों को पता ही होगा, कई दिनों से ये चर्चा में है, इनमें से सभी ये इसके जो लक्षण हैं वो हैं, निमोनिया, खांसी, जुकाम, बुखार। कोरोना वायरस पहले हाथों से संपर्क में आता है, इसके बाद ये मनुष्य के गले में, फेफड़े में रहकर श्वसन तंत्र को नष्ट कर देता है।
कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस मौसम में होता है? सर्दी, गर्मी, बरसात या सभी मौसम में? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव सर्दी में देखा गया है, जो गर्मी के मौसम में लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रभाव जो है काफ़ी कम हो सकता है। तो हम लोग ये आशा कर सकते हैं कि इंडिया में अब इसका प्रभाव कम होगा, क्योंकि हमारे देश में गर्मी अब पीक लेवल पर पहुँच चुकी है। तो अब होप कि अब ये इतना प्रभाव ना डाले। कोरोना किस प्रकार का वायरस है? डीएनए है, आरएनए है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो कोरोना आरएनए वायरस है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये आप याद रखेंगे, ये एक आरएनए वायरस है, डीएनए नहीं होता। कोरोना वायरस दो मुख्य वायरस है, मतलब कि इनमें दो मुख्य प्रकार के वायरस है। ये आप लोगों को बताने कौन से दो मुख्य प्रकार के वायरस है। तो ये है मार्सकोव और साराकोव। तो दो मुख्य प्रकार के ये आप ध्यान रखेंगे, मार्सकोव और साराकोव, ये दो हैं। इसके फुल फॉर्म जो होगा मार्सकोव का है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, और सार्स का पूरा नाम है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। सार्स को कोविड 1 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2003 में चाइना में आया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं इस क्वेश्चन के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की। अभी तक किस देश में कोरोना वायरस के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई? तो सब लोग जानते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इस समय मृत्यु हो चुकी है। ये खबर है 3/5/2020 तक की, इसकी है 67,067। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति में कितने दिनों बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं? तो इसके लक्षण जो दिखाई दे सकते हैं वो मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 14 डेज इसमें होता है। तो ये इसके लक्षणों के दिन हैं। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में निमोनिया, खांसी, जुकाम और बुखार आता है। ये सब हम लोग पहले डिटेल में देख चुके हैं। तो इसका मेन आंसर है 2 से 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, 13 क्वेश्चन नंबर। कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसकी संरचना किस प्रकार की दिखाई देती है? तो जैसा कि अभी हमने बात किया था, इसे कोविड कहते हैं। नोवेल, नोवेल माने क्राउन। क्राउन का क्या होता है? क्राउन जैसे एक मुकुट की शेप में दिखाई देती है। कोरोना की शेप एक मुकुट की जैसी दिखाई देती है। ये वायरस सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता, इसको देखने के लिए कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कोविड 1 को के नाम से किस वायरस को जाना जाता है? तो अभी हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में किया था कि कोविड 1 को जाना जाता है यहाँ पर सार्स के नाम से। इसका फुल फॉर्म होता है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। इसकी पहचान 2003 में चाइना में हुई थी। ये वायरस चमगादड़ों के कारण फैला था। इस वायरस में 10 में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उस टाइम की, 2003 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे, कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? नाक और मुंह ढककर रखना चाहिए, मदिरा पान करें, हर घंटे नहाएं और अधिक लहसुन खाएं। तो ये सब आप इतनी कॉमन चीज़ें हो गई कि आप सबको पता होगा, नाक और मुंह ढककर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस होता है नाक और मुंह के थ्रू ही अपने शरीर में पहुँचता है। और अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से अच्छे से धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग अपने। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण किस संस्था द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी? तो WHO द्वारा की गई है ग्लोबल इमरजेंसी को लागू। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए WHO ने कितनी धनराशि दान की है? वो सबसे पहले कितनी दी, अब तो काफ़ी हद तक और भी ज़्यादा धनराशि दान की जा रही है लोगों के द्वारा, बट WHO ने दी है $675 मिलियन, जबकि एशियन डेवलपमेंट ने $2 मिलियन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी धनराशि दान की है? तो अभी हमने डिस्कस किया था $2 मिलियन धनराशि दान की है। WHO ने $675 मिलियन धनराशि दान की है इससे लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत ने किसने धनराशि दी है? तो भारत ने दिया है $1 मिलियन। तो भारत ने $1 मिलियन दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2 मिलियन दिया है, और WHO ने $675 मिलियन दिया है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट,
किस राज्य सरकार ने म्यांमार, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया देशों से डिब्बा बंद ही बंद आएगा यहाँ पे खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये किस राज्य सरकार ने लगाया है? तो ये मणिपुर की राज्य सरकार ने लगाया है। इन्होंने म्यांमार, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो वहाँ से आता था उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और मणिपुर के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं वीरेंद्र सिंह। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के खतरे में भारत किस स्थान पे है? तो भारत फिलहाल में यहाँ 10वें स्थान पे है, लेकिन जब ये क्वेश्चन था तो वो 23 स्थान पे था। तो आज की लेटेस्ट खबर के आज के दिन के हिसाब से भारत 10th पोजीशन पे है। तो यहाँ आप ये काट के यहाँ 23 की जगह आप यहाँ 10 कर लेंगे, भारत 10th पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो भारत ने किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन। इस वायरस से निपटने के लिए भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर को सील करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 23, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में जनता कर्फ्यू किस तिथि से लागू हुआ? तो UPSC में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की डेट पूछ ली गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी तिथि से जनता कर्फ्यू पहली बार लागू हुआ था। तो ये हुआ था 22 मार्च 2020 से। तो आप लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार ने पूरे देश में कितने दिनों का पहली बार लॉकडाउन, यहाँ आएगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि लॉकडाउन की जो अवधि थी, टाइम था, वो टाइम टाइम पे बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले 21 दिन का लॉकडाउन रखा गया था 14 अप्रैल तक के लिए। तो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक ये जारी रहने की थी। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पे, बट अब बढ़ा दिया गया है उसका। तो अगर नॉर्मल पूछा जाएगा पहली बार कितने दिन का लॉकडाउन रखा गया, तो 21 डेज का। कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल आईडी उपलब्ध कराई है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ईमेल आईडी उपलब्ध कराई है ncov2019@gmail.com। कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो ये किया है 1075 हेल्पलाइन नंबर। इसका नंबर आप लोग याद रख सकते हैं 1075, और ईमेल आईडी आप ये याद रख सकते हैं ncov2019@gmail.com। भारत के किस राज्य ने कोरोना वायरस के को राजकीय आपदा घोषित की थी सबसे पहले? तो वो की थी हमारे केरल राज्य ने। केरल ने सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण राजकीय आपदा की घोषणा की थी। वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनराई विजयन। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में तैयार की जा रही है? तो इसका आंसर है SS वासन की अगवानी में ये ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीन तैयार की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, चाइना के वुहान शहर में फंसे 324 भारतीयों को किस विमान से बाहर निकाला गया है? तो ये निकाला गया है एयर इंडिया के विमान से। वुहान से ये शुरू में ही जब ये वायरस आया था तो उसी समय निकाल लिया गया था इन लोगों को। तो इन लोगों में से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था। तो 324 भारतीयों को एयर इंडिया के विमान से बाहर निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हाल ही में किस देश ने कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कपड़ों के निर्यात पे जो कोरोना वायरस के कारण प्रतिबंध लगाया है वो भारत ने लगाया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही, 30 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। इसी टाइप की और कम्प्लीटली एक ही टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किस टाइप के वीडियोस आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेंस की वीडियो सीरीज जैसे चल रही है वैसे आप उसे देखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी वीडियोस के बारे में। डेली करंट अफेयर एज इट इज़ चल रहा है, उसको आप ज़रूर देखिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।